आकांक्षा है। मैम, जो आप ये मेडिटेशन कराते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य, हम लोग हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से हैं। ये संस्था जो है हृदय पे ध्यान करने का तरीका बताती है, और हम लोग रिलैक्सेशन और मेडिटेशन करवाते हैं। हम लोगों के ट्रेनर्स जो हैं वो सब जगह हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक ये बात फैलाना चाहते हैं कि ऐसा भी एक तरीका है हृदय पे ध्यान करने का, और ये बिल्कुल निशुल्क है। और हमारे जो प्रशिक्षक हैं सब जगह, उनका हम आपको कांटेक्ट दे सकते हैं, जो नियरेस्ट ट्रेनर हैं। आप उनके घर जाकर उनसे कांटेक्ट करके ये ध्यान करना सीख सकते हैं। और हम लोगों के बहुत जगह सेंटर्स भी हैं, हार्टफुलनेस सेंटर्स, हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता है एवरी संडे मॉर्निंग, और बुधवार शाम को भी बहुत जगह सेंटर्स लोकलाइज्ड बने हुए हैं जहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होता है, और ये बिल्कुल निशुल्क है। मैम, मेडिटेशन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ये मेडिटेशन जो है ये हृदय पे किया जाता है, तो हृदय पे ध्यान करने का ये फ़ायदा है कि हमें पता है कि जो ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। अगर हम हृदय पे ध्यान करते हैं तो हमारा हार्ट डिविनाइज हो जाता है। अगर हार्ट डिविनाइज होता है तो उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी के जो एग्जिस्ट वो डिविनाइज होती है, और हमारी पूरी ओवरऑल एग्जिस्टेंस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो लोग मेडिटेशन करेंगे ये वाली और ट्राई करेंगे इसे, उन्हें थोड़े ही दिन में अपनी डेली लाइफ, अपनी ओवरऑल माइंड और उसकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस पे उसका इम्पैक्ट उन्हें फील होने लगेगा। अगर हम ये मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं? इसको शुरू करने के लिए हमारी एक साइट है www.heartfulness.org, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर भी आप एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आप कौन से एरिया में रहते हैं, और वहाँ पे जब आप पुट अप करेंगे थोड़े दिन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वो आपको नियरेस्ट ट्रेनर जो हैं, हमारे हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक जो हैं नियरेस्ट आपके घर के, उनका नंबर और एड्रेस आपको दे देंगे, उन्हें आप कॉन्टैक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है, उस पर आप कॉल करके नियरेस्ट ट्रेनर का फ़ोन नंबर और एड्रेस पूछ सकते हैं, ट्रेनर को विजिट करके, और या फिर उनसे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमारी एप्लीकेशन है लेट्स मेडिटेट ऐप, उस ऐप को आप इंस्टॉल करके उसमें भी रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, वहाँ भी आप उसमें भी आप उसके थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू ही आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जो इससे स्टार्ट करने के लिए हम इनिशियली 3 सेशंस होते हैं हमारे ट्रेनर के साथ, वो हमें लेने होते हैं मेडिटेशन के अराउंड 20 to 25 minutes का एक सेशन होता है। वो हम जब 3 सेशंस ले लेते हैं कॉन्जिक्यूटिवली, तो उसके बाद हम घर पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैम, आपका नाम? आरती। तो मैम, मैं जान सकता हूँ आप ये मेडिटेशन कब से कर रहे हैं? मुझे हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हुए 3 साल हो चुके हैं तकरीबन, एंड मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मेरा कोई बहुत स्पेशल रीज़न नहीं था, बट चूँकि मैं एक स्टूडेंट थी तो मैं अपनी स्टडी के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहती थी, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहती थी, एंड थोड़ा सा पीयर प्रेशर हैंडल करना ये सब भी बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसको एक चांस देकर देखा था। तो जब मैंने इसे करना स्टार्ट किया तो शुरू में चूँकि सबको दिक्कत आती है थोड़ी सी आई थी, पर प्रैक्टिस के साथ में धीमे धीमे इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और मुझे लगता है कि पिछले 3 सालों में मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। मुझे लगता है मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, मैं पहले से ज़्यादा फोकस फील करती हूँ, और पहले जो मैं फील करती थी कि माइंड में बहुत सारे थॉट्स मेरे स्टक होते हैं, वो नहीं होते हैं। मैं पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बहुत सी चीज़ों के साथ में, और हर प्रॉब्लम से, हर चैलेंज को लेने का जो कॉन्फिडेंस मुझ पर डिवेलप हुआ है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा है। आप कब से कर रही हैं? मैं इसको पिछले 6 साल से कर रही हूँ। मैं इस मेडिटेशन को, हार्टफुलनेस मेडिटेशन को करने, जो दूसरों को करने के लिए बोलूँगी, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि आज की दुनिया में जब हम बहुत से जगह से बिज़ी हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्पेशली खुद के लिए। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, वो जब खुद की बारी होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। खुद के साथ बैठने में हमें बहुत डर लगता है, हमें खुद से, खुद को फेस करने में बहुत ऐसी फील होती है कि हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं।
तो जो ये मेडिटेशन है, स्पेशली जो हम ये हार्ट पे बेस्ड हम करते हैं, माइंड पे हर कोई करता है, जो उससे हमें बहुत हैवीनेस फील होती है। बट जब हम स्पेशली हम हार्ट पे मेडिटेशन करते हैं, और एक बात बोली जाती है कि अपने दिल की सुनो, दिल कभी गलत नहीं बोलता है, दुनिया गलत कह सकती है पर आपका दिल हमेशा आपको सही बात बोलेगा। जो ये मेडिटेशन में हार्ट पे करते हैं तो ये हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देता है। धीरे धीरे हमें खुद के बारे में पता चलती रहती हैं बातें। जब हम खुद की बातें एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, एक सेल्फ से हम कैपिटल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से मैं इसको सजेस्ट करूँगी कि आप सबको ये मेडिटेशन करना चाहिए। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैं यूथ को एक सिंपल सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप दुनिया के लिए करना चाह रहे हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, आप बड़ी से बड़ी चीज़ करने के लिए मतलब अपने आप को बनाना चाह रहे हैं कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हो? हमने दुनिया को चेंज करने का सोचा है, बट क्या आपने कभी दो मिनट बैठ के सोचा है कि मुझ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है? क्या मेरे आसपास के लोग मुझसे खुश हैं? क्या मैं खुद से खुश हूँ? क्योंकि जब खुद से हम खुश नहीं हैं तो हम दुनिया की खुशियों के बारे में दावा कैसे कर सकते हैं? आज का यूथ जो है बहुत नशा कर रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? एक्चुअली मेरे हिसाब से देखो, नशा करने का रीज़न होता है कि या तो आप किसी परेशानी से भागना चाह रहे हैं, आप खुद से नज़रें नहीं मिलाना चाह रहे हैं, आपको खुद के बारे में डाउट है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगता है, आंखें बंद करने में भी डर लगता है, ये सिचुएशन हर किसी के साथ आती है, पर धीरे धीरे जब आप इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करते जाते हैं, तब आप में ये एक मेडिटेशन होता है वो एक अलग ही तरीके का होता है। उसमें आपको फिर नशे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आप खुद को फेस करने लग जाते हो। कुछ भी होता है तो आप होते हैं कि नहीं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। नशा जिससे आप नशा करके खुद को भूल जाते हो, वैसे मेडिटेशन करके भी हम आपको अपने आप को भूल जाते हैं, तब हम अपने आप में रहते ही नहीं है। तो मेरा है कि आप नशा छोड़ के मेडिटेशन को ट्राई कीजिए, अपने योगा कीजिए, इस टाइप की चीज़ें करिए, तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम, आप चैलेंजर ग्रुप संस्था से कितने टाइम से जुड़े हुए हो? चैलेंजर्स ग्रुप को लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका है, और ये छत्तीसगढ़ में सुकमा के नामक स्थान पर शहीद हुए थे 25 जवान, उनकी याद में 25 अप्रैल को बनाया गया था। और जैसे कि हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जब वो वहाँ बॉर्डर पर रह कर हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा सकते हैं, अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए? तो मैम, आपने संस्था का नाम चैलेंजर्स क्यों रखा? हमने अपने संस्था का नाम चैलेंजर्स ग्रुप इसलिए रखा क्योंकि चैलेंजेस का मतलब है चुनौती, और हमें चुनौती स्वीकार करना आना चाहिए। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए? मैं इस संस्था से लगभग 3 मंथ से जुड़ी हुई हूँ। 3 मंथ से? तो मैम, मैंने देखा आप जैसी उम्र के बच्चे जाते रहे पार्क में जाना, क्लब में जाना, तो आप ये सोशल वर्क क्यों करते हो? काफ़ी अच्छा महसूस होता है क्योंकि बाहर के लोगों को हम जागरूक कर सके इस चीज़ के लिए, इसलिए हम लोग इस चैलेंजेस ग्रुप में ऐड हुए। तो आपका और लोगों के जो आपके उम्र के बच्चे उनकी तरह जो हो जाते हैं, आपका मन नहीं करता उनकी तरह जाने का? नो, बिकॉज ना उन बच्चों के भी हमारा काम है कि अपने ग्रुप में ऐड करना, जिससे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे को सीखे आगे।